नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के गंगा बैराज घाट से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अंतिम संस्कार के लिए गए युवक वहां पर दो युवक गंगा में नहाने लगे और जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ा तो दोनों युवक डूबने लगे। हालांकि वहां पर मौजूद गोताखोरों ने एक युवक को तो बामुश्किल घंटों के बाद बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक गंगा के बढ़ते जलस्तर से डूबता चला गया। हालांकि पिछले कई घंटों से लगातार युवक की गोताखोर तलाश कर रहे हैं और साथ ही पुलिस के अफसरान भी मौके पर हैं और नाव के जरिए युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर के जो परिवार वाले हैं वो खासे परेशान हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल हो चला है। दूसरी खबर बिजनौर के मंडावर इलाके से आ रही खबर यह है कि पहाड़ों व मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे दो दर्जन के आसपास गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के अफसर गंगा किनारे जो ग्रामीण हैं उनको समझा रहे हैं। बाकायदा मुनादी की जा रही है कि गंगा किनारे कोई भी ना जाए, बाकी साथ ही जो पशु हैं उनको भी वहां पर ना चराया जाए, और लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर के ग्रामीण खासे परेशान हैं। तीसरी खबर बिजनौर के शेरकोट इलाके के NH-74 से आ रही है। खबर यह है कि तेज़ रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे डिवाइडर से जा टकराई। कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में पुलिस के अफसरानों ने CSC में भर्ती करा दिया है, जबकि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए हैं। चौथी खबर बिजनौर के मंडावर इलाके से आ रही है। खबर यह है कि इन दिनों भूमाफिया लगातार भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर बाकायदा ज़मीन प्लॉट दे रहे हैं, जबकि उसकी 143 और साथ ही लेआउट ना होने की वजह से लगातार लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की भनक लगी तो मौके पर पहुंचे प्रशासन के अफसरों ने बाकायदा वहां पर बुलडोज़र चलाकर जो वहां पर निर्माणाधीन कार्य थे उसे ध्वस्त कर दिया है, जबकि जो भूमाफिया है मौके वारदात से फरार हो गए हैं। वहीं अब जो ग्राहक हैं, जो बाकायदा जो भूस्वामी हैं जिन्होंने ज़मीन खरीद रखी है, वो खासे परेशान हैं, क्योंकि जो भूमाफिया हैं वो लगातार पिछले काफ़ी महीनों से ऐसे ही फर्जी अवैध तरीके से कॉलोनी काट कर लोगों का बेवकूफ़ बना रहे थे। अब लगातार जो स्वामी हैं, ग्राहक स्वामी, वो लगातार भूमाफियाओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं ने अपने फ़ोन तक बंद कर लिए हैं। इसको लेकर के लाखों रुपये का चपत लगने के बाद ग्राहक खासे परेशान दिख रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।